रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें और मेंस का जो पेपर है बहुत नीट एंड क्लीन लिखें। हार्दिका आप क्लास में हो? हार्दिका क्लास में है? मैं इस YouTube चैनल पे और इस क्लास में मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि हार्दिका जिस दिन मेंस देगी ना उस दिन हार्दिका का मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये लड़की जज बनेगी क्योंकि इसकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग लिखती है। जो एक परफेक्ट आंसर होता है ना वो लिखती है हार्दिका, नीट एंड क्लीन, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, आंसर फॉर्मेट बहुत अच्छा है, फैक्ट्स एंड लॉ को बहुत अच्छे से ये एकदम से मिक्सअप कर देती है, ठीक है। आप पढ़ोगे ना इनका आंसर, इतना ब्यूटीफुली इन्होंने लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ और शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। देखिए हार्दिका कहती है, इंट्रोडक्शन है ये, इनिशियली इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, ठीक है। ये कहती है, एन अकम्प्लिस इज ए पर्सन गिल्टी एसोसिएट इन क्राइम, सेम जो संदीप ने लिखा था वही बात इन्होंने लिखी, बिल्कुल परफेक्ट है। एन अकम्प्लिस मे बी अप्रूवर ऑल्सो, अकम्प्लिस अप्रूवर भी हो सकता है, और अप्रूवर कौन होता है, अप्रूवर इज एन अकम्प्लिस हु इज टेंडर्ड पार्डन बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 306 ऑफ द सीआरपीसी ऑन, देखो सबसे अच्छी चीज है 306 की इन्होंने लिख दी बात, क्या, ऑन कंडीशन ऑफ मेकिंग ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ होल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, है ना, इसी कंडीशन के ऊपर भी तुम सारी चीजें बताओगी तभी आपको वो मिलेगा, ठीक है, पार्डन मिलेगा। नाउ इनिशियली इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन इन्होंने दी है। नाउ अब एक चीज नोटिस करो संदीप, आप अपने आंसर में और बाकी जो जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर लिख रखा है आप लोग भी अपना आंसर साथ में लेके बैठे, आपके आंसर में और हार्दिका के आंसर में एक डिफरेंस है जो बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए क्या कहती है हार्दिका, हार्दिका स्टार्ट करती है इन दी प्रेजेंट केस, हार्दिका का आंसर जो है वो क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमता रहता है, हार्दिका कभी भी क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं होती है, क्वेश्चन के सराउंडिंग में ही घूमती रहेगी, ठीक है। देखिए क्या कहती है, इन दी प्रेजेंट केस, ये बहुत जरूरी होता है, इन दी प्रेजेंट केस आप जो क्वेश्चन उसको साइट करो, जो फैक्ट्स उनको साइट करो, तो हार्दिका की ये बहुत अच्छी चीज है, हमेशा फैक्ट्स को साइट करती है, उसके साथ में लॉ को कनेक्ट करती है। नाउ इन द प्रेजेंट केस अर्जुन हु डिड द किलिंग इज एन अकम्प्लिस, क्लियरली लिख दिया अंडर सेक्शन 133 ऑफ द एविडेंस एक्ट, एंड गिव्स ओरल एविडेंस रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ क्राइम इज ऑल्सो एन अप्रूवर अंडर सेक्शन 306। ये देखिए ये चार लाइनें इतनी खूबसूरती से लिखी हैं और जो क्वेश्चन के फैक्ट्स हैं और जो लो है बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दिया। पहले कह दिया कि इस केस के अंदर जो अर्जुन है उसने व्यक्ति मारा है और वो अकम्प्लिस है, पार्टनर इन क्राइम है, ठीक है, अंडर सेक्शन 133 आ गया, इंडियन एविडेंस एक्ट का 133 कनेक्ट कर दिया। साथ के साथ में कह रही है उसने ओरल एविडेंस दिए रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ द क्राइम, कमीशन ऑफ द क्राइम के रिगार्डिंग उसने ओरल एविडेंस दे दिए, बता दिया प्लानिंग कैसे की, प्रिपरेशन कैसे की, ठीक है, तो यहां से आपका वो अप्रूवर बन गया अंडर सेक्शन 306, 133 एंड 306 दोनों फिक्स कर दिए यहां पे, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखती है हार्दिका, एज पर सेक्शन 133, अब ये 133 को एक्सप्लेन कर रही है, ऑफ एविडेंस एक्ट एन अकम्प्लिस शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस, बिल्कुल सही है, अगेंस्ट एन एक्यूज्ड, बिल्कुल सही है, एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस, बस यहां पे एक चीज थोड़ी सी इन्होंने मिस कर दी, थोड़ा सा ही यहां पे हार्दिका थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया आपका, आपको वो चीज भी लिखनी थी कि अकम्प्लिस की टेस्टिमनी के ऊपर रिलाई किया जा सकता है, ठीक है, विदाउट कोरोबरेशन रिलाई किया जा सकता है, वो चीज जो सेक्शन 133 में वो थोड़ा सा कंप्लीट नहीं लिखा आपने, आपने सिर्फ ये लिख दिया कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है अक्यूज के अगेंस्ट, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है मैं ये मानता हूं। नेक्स्ट, एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस अंडर सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन बी विच इज यूनिवर्सली फॉलोड दैट द कोर्ट्स ऑट नॉट टू पे एनी रिस्पेक्ट टू द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस अनलेस ही इज कॉरोबरेटेड इन मटीरियल पर्टिकुलर्स, वेल डन, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि एक रूल ऑफ प्रूडेंस है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और नंबर ऑफ कोर्ट्स उसको एक्सेप्ट करके मानती है कि जो भी आपका अकम्प्लिस होगा, ठीक है, उसकी टेस्टिमनी के ऊपर हम रिलाई नहीं करेंगे अनलेस ही इज कॉरोबरेटेड इन ए मटीरियल पर्टिकुलर्स। नाउ अब ये एक बहुत अच्छा और लीडिंग केस यहाँ पे साइट करती है, ये कहती है इन द केस ऑफ सुरेश चंद्र बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इट वॉज हेल्ड दैट अप्रूवर्स एविडेंस has to be satisfied double test। अब ये देख रहे हो यहाँ पे evidentiary value of approver के लिए case लिख दिया कि भाई approver's evidence जो है उसको double test यहाँ पे pass करना पड़ेगा। First, evidence must be reliable। Evidence reliable होना चाहिए। Second, evidence should be materially corroborated। Material corroboration होना चाहिए, ठीक है। Now, आगे चलते हैं, आगे क्या लिखती है approver, sorry हार्दिका, देखिए क्या लिखती है आगे। Now,
इन दी प्रेजेंट केस, ये चीजें देख रही हो, ये लिखना बहुत जरूरी होता है। फैक्ट्स को आप मत छोड़ा करो हमेशा। जैसे संदीप आपने कहीं पे भी फैक्ट्स नहीं लिखे, सिर्फ आपने एक लाइन में फैक्ट्स लिखे थे केस के। हार्दिका अगेन लिखती है, इन दी प्रेजेंट केस अर्जुन हु डिड द किलिंग वाज अरेस्टेड ऑन द स्पॉट, उसी वक्त उसको अरेस्ट किया गया एंड डिटेन्ड सेपरेटली, और उसको अलग रखा गया फ्रॉम राम एंड करण। सो इट मीन्स अर्जुन हैड नो कम्युनिकेशन, ये चीज ठीक है, अर्जुन की कोई कम्युनिकेशन नहीं है राम और करण के साथ। नाउ बिकॉज जब आप सेक्शन 114B की बात करते हो तो वहां पे एक प्रेजम्पशन है, मे प्रेजम्पशन है वहां पे, है ना, रिवर्टेबल प्रेजम्पशन है, इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा रहा है, इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जा रहा है प्रेजम्पशन के रिगार्डिंग। तो हार्दिका अपने आंसर में इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रही है। हार्दिका क्या लिख रही है, इट गिव्स इन्फ्रेंस डेट अर्जुन ओरल एविडेंस रिगार्डिंग द सर्कमस्टांसिस ऑफ द क्राइम इज रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी, क्योंकि वो अकेला था, उनके साथ में नहीं था, उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो उसने जो भी टेस्टिमनी दिया वो रिलायबल एंड ट्रस्टवर्थी। एज ए कोर्ट, एज ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यू हैव डिस्क्रिशन टू रिलाई ऑन द एविडेंसेस गिवन बाय दैट पर्टिकुलर अकम्प्लिस। नाउ हार्दिका ने सेम वही किया। अब दोबारा से इन्होंने एक और बहुत लीडिंग केस को यहाँ पे साइड किया। हार्दिका कहती है, इन द केस ऑफ जसवीर सिंह वर्सेज विपिन कुमार, इट वॉज हेल्ड दैट If approver's evidence is found trustworthy, it can be decisive in securing conviction. Now, अब यहां देखिए, sufficiency of corroboration depends upon the fact and circumstances of each case. बहुत अच्छी बात है कि ये जो लिखा ना sufficiency of corroboration, ये हमेशा depend करेगी fact and circumstances of the case. ठीक है, the corroboration of an accomplice is of two kinds. दो प्रकार की corroboration आप कर सकते हो एक accomplice की। First, which ensures approver is trustworthy. पहला ये फाइंड आउट हो जाए इस कॉरपोरेशन के जो अप्रूवर है वो ट्रस्टवर्दी, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। एंड सेकंड, व्हिच अराइजेस फॉर कंक्लूजन दैट द क्राइम वाज कमिटेड। सेकंड क्या होगी, ऐसी कोई कॉरपोरेशन जिससे ये पता लग सके हाँ भाई क्राइम एक्चुअल में कमिट हुआ है। नाउ एंड ऑल्सो दैट द अदर एक्यूज पर्सन वर इन्वॉल्व इन द क्राइम। सो नाउ आगे ये लिखती है, फॉर कॉरोबोरेशन इट इज ओनली रिक्वायर्ड दैट देयर मस्ट बी सम एडिशनल एविडेंस। दिस इज द इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो संदीप आपने मिस किया था, एडिशनल एविडेंस की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ कॉरोबोरेशन के लिए। दैट देयर मस्ट बी सम एडिशनल एविडेंस कोई होना चाहिए, रेंडरिंग इट प्रोबेबल। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी तो चाहिए हमें, है ना, 114B भी तो आप ये पढ़ते हो, मे प्रेजम्पशन, रिबेटेबल प्रेजम्पशन, एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी आ गई, एक छोटा सा एडिशनल एविडेंस आ गया, हम रिलाई कर सकते हैं। There must be some additional evidence rendering it probable that the story of accomplice is true and reasonable safe to act upon it. Now, अब देखिए last में conclusion देखो कितने अच्छे से इन्होंने लिखा है case के facts को cite करते हुए। In the instant case, Karan's confession was more or less on the lines of Arjun testimony. ये जो line थी ना, ये जो word है, जो fact था on record, ये लिखना था, इसको discuss करना था, जैसे संदीप आपने miss out किया, हार्दिका ने उस फैक्ट को लिखा है, वो फैक्ट दिया ही इसलिए गया था ताकि आप उस फैक्ट को कंसीडर करके अपना आंसर लिख सकें। पर हार्दिका ने उस फैक्ट को यहां कंसीडर किया और अपने आंसर में लिखा, करण्स कन्फेशन वाज मोर और लेस ऑन द लाइंस ऑफ अर्जुन टेस्टिमनी, जो करण का कन्फेशन था टू सम एक्सटेंट सिमिलर टू द टेस्टिमनी ऑफ अर्जुन था। सो इट शोज दैट अर्जुन्स ओरल एविडेंस इज ट्रू एंड कैन बी रिलाइड अपॉन, जो फर्स्ट टेस्ट था कि ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, उसको हमने कैसे फाइंड आउट किया इस आंसर में हार्दिका ने, फ्रॉम दी कन्फेशन ऑफ दी करण, जो कि ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स में आ रखा था हमारे पास कि ऑन दी सेम लाइन, मोर और लेस उसी सिमिलर लाइन के ऊपर था। एंड लास्ट में फाइनली कंक्लूजन, हेंस इन दी प्रेजेंट केस देर वॉज सफिशियंट कॉरोबोरेशन फॉर दी अप्रूवर एविडेंस अर्जुन बाय दी एडिशनल एविडेंस दैट इज कन्फेशन ऑफ करण। वेल डन हार्दिका, बहुत अच्छा लिखा है। बस सेक्शन 133 वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, रेस्ट ऑफ द थिंग बहुत परफेक्टली लिखी है आपने, एक एक पॉइंट परफेक्ट है और टू द पॉइंट आप कह देना वो आंसर है आपका। वेल डन बेटा, वेल डन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत सारे बच्चे जो हैं आपके इस आंसर से सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आई थिंक मुझे अब कुछ डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हार्दिका ने पूरा कंप्लीट एक आंसर लिखा और बहुत खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। हार्दिका का आंसर जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सर जी इस उत्तर को टेलीग्राम ग्रुप में, हाँ मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू हार्दिका। मैं आज कह रहा हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कि जिस दिन हार्दिका मेंस देगी ना, हार्दिका का फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस क्लियर होने वाला है। जस्ट स्कोर कह रही है, शुक्र है हार्दिका का कॉल लगा, मेरा नहीं लगा। तो यही एक रीजन है, यही मैं आप लोगों को समझाता हूं कि जिस भी बच्चे के यहां आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं आप लोगों को एट दी एंड बेनिफिट हो रहा है।